नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं बबिता। तो उत्तराखंड में विभिन्न जगहों पर वक्फ बोर्ड की जमीनों पर किए गए कब्जों को खाली कराने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने 145 लोगों को धारा 52 का नोटिस जारी करते हुए और वक्फ बोर्ड की जमीन खाली करने के निर्देश दिए हैं। तो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर सहित कई जनपदों में 145 लोगों को वक्फ बोर्ड के द्वारा धारा 52 का नोटिस जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड की जमीनों को खाली करें, नहीं तो धामी सरकार का बुलडोजर उनके ऊपर कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन है उन मासूम गरीब लोगों के लिए है ये जमीन, जिनका कोई नहीं है, तो ऐसे में उनके हकों को छीनने वालों को बोर्ड कभी माफ नहीं करेगा। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हरिद्वार देहरादून में सबसे ज्यादा अवैध कब्जे हैं, तो वक्फ बोर्ड ने जारी किया है नोटिस सभी को। तो 45 से अधिक लोगों को हम धारा 52 के नोटिस जारी कर चुके हैं और धारा 52 का नोटिस होता है खाली कराने का नोटिस, वो अदालत की तरफ से नोटिस आते हैं और अदालत प्रशासन को ये कहती है जिलाधिकारी के माध्यम से कि आप इन संपत्तियों को खाली कराएं, क्योंकि जिलाधिकारी जिले का आयुक्त होता है वक्फ बोर्ड का, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो संपत्तियों को खाली कराए जिनके ऊपर अवैध कब्जे किए गए हैं। तो ये बहुत सारे नोटिस सर्व किए जा चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी वार्ता हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया था कि एक दिन हम वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के साथ और केवल वक्फ बोर्ड के लिए बैठेंगे, जिसमें सारे जिलाधिकारियों के साथ वार्ता की जाएगी। और तो उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों में अब आधुनिकीकरण कराया जाएगा, लेकिन इस फैसले से मदरसों के मौलाना नाखुश नजर आ रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार के मदरसा संचालकों का ये कहना है कि समय समय पर मदरसों में नवीनीकरण कराया जा रहा है, चाहे वो NCERT से जुड़े हो या फिर नहीं। वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित मदरसा के प्रबंधक ने कहा कि अक्सर मदरसों की छवि को बिगाड़ने का कार्य किया जाता है, लेकिन इसके विपरीत मदरसों द्वारा इंग्लिश, विज्ञान सहित मैथमेटिक्स की तालीम बच्चों को दी जाती है, ताकि आने वाले समय में बच्चे अपने भविष्य का खुद फैसला ले सके। तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड द्वारा मदरसे में ड्रेस कोड के फैसले को उन्होंने सही फैसला बताते हुए कहा कि मदरसे में पहले से ड्रेस कोड का नियम कायम है। यहाँ इस मुल्क के अंदर यही तो सबसे बड़ा रोना है, यहाँ सियासत करने वाले खामखागी बिना बात के वो ज़्यादा है, काम कम करते हैं, बकवासबाजी ज़्यादा करते हैं। मदरसों की पोजीशन को मजरूह करने के लिए बकवासबाजी की जाती है, मदरसे हैं ये, इनमें ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। तो ड्रेस तो हमारे मदरसे में देख नहीं रहे आप, सफ़ेद बच्चों में फिर रहे हैं, देखिए आप सफ़ेद बच्चा, आप नीचे जाइए लड़कियों का सबका ड्रेस है, तो उसमें क्या दिक्कत है, ये कोई चीज़ बुरी नहीं है। अगर ड्रेस कोड आती है मतलब बच्चे जो है अपने मदरसे वाले जो है अपना यूनिफॉर्म बच्चों का पहनने का मुतय्यन करते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धमक अब दिल्ली के MCD चुनाव में भी देखने को मिल रही है। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद हिमाचल में हुए विधानसभा चुनाव में जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की डिमांड बढ़ी है और हिमाचल की जनता जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनने आई थी, उसी तरह से दिल्ली के MCD चुनाव में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली की जनता भारी संख्या में प्यार देने पहुंच रही है। तो बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनसभाएं भी कर रहे हैं, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि छोटी सरकार भी अगर बीजेपी की बनती है तो फिर दिल्ली में विकास के काम और ज्यादा तेजी से होते हुए नजर जरूर आएंगे। तो वहीं प्रसिद्ध कवि, लेखक और गीतकार पद्मश्री प्रसून जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो प्रसून जोशी वर्तमान में फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है, तो उन्हें ही अब उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया गया है। तो वहीं कहा जा रहा है राज्य की संस्कृति को वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, इसके बाद सरकार ने ये आदेश जारी किया है, ये निर्णय लिया और फिर आदेश जारी कर दिया गया है।
तो वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीद दुर्गा मल पार्क गढ़ी कैंट में सीएम घोषणा के अंतर्गत मसूरी विधानसभा क्षेत्र के गढ़ी कैंट में पेयजल योजना के तहत ओवर टैंक और पेयजल लाइन का लोकार्पण किया है, जिसकी लागत 413.13 लाख रुपए बताई जा रही है। तो गौरतलब है कि लंबे समय से गढ़ी कैंट क्षेत्र में पेयजल की समस्याएं बनी हुई थी, तो उन समस्याओं से क्षेत्र के लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था। लेकिन आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ओवर हेड टैंक का लोकार्पण कर कैंट वासियों को यह समर्पित कर दिया है। और इस दौरान मंत्री जोशी ने कैंट क्षेत्र में एक और ट्यूबवेल लगाने की घोषणा भी की है। ओवर हेड टैंक व पेयजल लाइन का लोकार्पण मेरे द्वारा किया गया है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हर घर नल हर घर जल जो उनका नारा है उसको हम साकार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत समस्या थी और इस ओवर टैंक के बनने से राजनी लेन के बिछने से यहाँ की पेयजल की समस्या का समाधान होगा, क्योंकि हमारी सरकार उस सिंह धामी जी के नेतृत्व में जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड में हाई कोर्ट के द्वारा 7 प्लास्टिक पर प्रतिबंध के आदेश लगाए जा चुके हैं, जिसके लिए नगर निगम के द्वारा कभी कभी प्लास्टिक जब्ती की कार्रवाई भी की जाती है, जो महज खाना पूर्ति तक ही सीमित रहती है। तो अगर बात की जाए राजधानी देहरादून की, तो यहाँ आज भी धड़ल्ले से प्लास्टिक बैग, डिस्पोजल ग्लास और प्लास्टिक चम्मच का खुलेआम उपयोग किया जा रहा है। हालांकि मीडिया के सवाल पर नगर आयुक्त भले ही पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हो, उनका कहना है कि प्लास्टिक के लिए हम लोग जो है समय समय पर कार्रवाई करते ही रहते हैं। एसपीसीबी की स्पष्ट गाइडलाइंस है, उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और उसके अंतर्गत मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को राइट्स और एनफोर्समेंट की पावर्स भी दी गई हैं। नगर निगम के द्वारा भी सुपरवाइजर्स के माध्यम से, इंस्पेक्टर्स के माध्यम से एवं अन्य अधिकारियों के माध्यम से लगातार चालान किए जाते हैं, इसको पकड़ के सीज किया जाता है और भारी मात्रा में हम लोग ऑलरेडी चलानी कार्रवाई कर चुके हैं। इसी के साथ साथ जो बॉर्डर से मैन्युफैक्चर होके यदि जो आ रही हैं तो उसको जो हमारे टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स हैं और इसी प्रकार से यदि कहीं पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा स्वयं उसमें कार्रवाई की जाती है। तो वहीं कोटद्वार के गोखले मार्ग में जाम की स्थिति बनी ही रहती है, तो ये समस्या आज की नहीं बल्कि सालों से चली आ रही है। तो प्रशासन इस समस्या को सुलझाने में नाकाम साबित दिखाई दे रहा है। तो कोट गोखले मार्ग में एक बच्चे के पैर पर ऑटो का पहिया चढ़ाने से वहां पर अफरा तफरी मच गई है और लोगों ने मुश्किल से गाड़ी पीछे करके बच्चे का पैर निकाला, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो गोखले मार्ग में अतिक्रमण की स्थिति ये अब हो चुकी है कि वहां पर पैदल चलना भी अब दुश्वार हो गया है, लेकिन प्रशासन और नगर निगम का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं जा रहा। तो कोटद्वार से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर घटना का सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई घटना। तो आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार अतिक्रमण बना ही रहता है, लेकिन नगर निगम और प्रशासन का इस पर ध्यान ही नहीं है। तो वहीं मसूरी में देर शाम देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस पर एक बाइक सवार अनियंत्रित होकर पहाड़ी से जा टकराई, तो जिससे बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया है। हालांकि उसे वहां से देहरादून हायर सेंटर भेज दिया गया है। तो पुलिस ने घटना की सूचना घायल के परिजनों को भी दे दी है। तो वही पुलिस घटना की अब जाँच में जुट गई है। तो मसूरी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मसूरी में पहाड़ से अचानक से बाइक टकरा गई, तो बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो चुका है। तो घायल युवक का हायर सेंटर में इलाज जारी है। तो पुलिस भी अब घटना की जांच में जुट गई है।
आपका अतिक्रमण आदेश और असर। तो धर्म नगरी हरिद्वार के संत और आश्रम बाहुल्य क्षेत्र में एक दिन पहले जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने पुराने एआरटीओ चौक से लेकर भारत माता मंदिर तक अतिक्रमण को लेकर निरीक्षण किया था, जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाने को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसका आज उस समय असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दुकानदारों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। तो ये रिपोर्ट देखिए। एक दिन पहले की ही तो बात है जब शुक्रवार को डीएम साहब यानी कि विनय शंकर पांडे ने उत्तरी हरिद्वार के सब सरोवर मार्ग पर अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर निरीक्षण किया था, जिसमें दुकानदारों को खुद अतिक्रमण हटाए जाने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी थी और अतिक्रमण न हटाए जाने पर जिला प्रशासन से सख्ती का जिक्र किया था, जिसके बाद वो हुआ जो अब तक हरिद्वार में नहीं हुआ था। दुकानदारों ने बिना किसी बवाल के खुद ही अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी। हरिद्वार के उत्तरी हरिद्वार में डीएम द्वारा 24 घंटे का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद अतिक्रमण को लेकर हरिद्वार के जो व्यापारी हैं उन्होंने अपने आप ही जो अतिक्रमण है वो हटाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिला अधिकारी द्वारा साफ तौर पे कहा गया था कि अगर यहाँ से जो अतिक्रमण है उसको नहीं हटाया जाएगा तो सरकारी मशीनरी द्वारा उसको जबरन यहाँ से हटाया जाएगा, जिसका सारा खर्चा दुकानदारों द्वारा ही दिया जाएगा। तो उससे उनके आदेश के बाद दुकानदार यहाँ पर अपना सारा जो अतिक्रमण है वो स्वयं ही यहाँ पर हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहा जा सकता है कि जो जिला अधिकारी हरिद्वार हैं उनके आदेशों का कहीं ना कहीं यहाँ पर पालन होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल दुकानदार और संत समाज दोनों ही हरिद्वार को अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम में हिस्सेदारी का जिक्र कर रहे हैं। तीन नोटिस आए, एक फिर दूसरा फिर तीसरा, फिर जाके इन्होंने शुरुआत करी है। अभी सबको बताया गया कि अपने आप ही हटा लो आप, नहीं तो हम हटाएंगे तो ज़्यादा हट जाएगा। फिर कह रहे अतिक्रमण कर रखा है, हमने तो ऐसी ही ली थी, अब उसमें कह रहे अतिक्रमण कर रखा है, अब बनी बनाई दुकान का बस हम तो हो गए ना। क्या कह के गए आपको? भाई कहने का इतना तुड़वा दो, सबका अतिक्रमण कर रखा है, ये पूरी दुकानें टूटेंगे तेरह की तेरह। सर 24 घंटे का समय दिया था उन्होंने कि 24 घंटे में आप इसको अपने आप हटा लीजिए, नहीं तो फिर जेसीबी से हम हटाएंगे, तीन जेसीबी लगाएंगे यहाँ पे और तीनों का वो सब दुकानदारों को हटा करता उसका आपको देना पड़ेगा, आप अपने आप हटा लो तो ठीक है, तो हम इसलिए हटा रहे हैं। तो इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है कल को सड़क चौड़ी होती है तो हम लोगों पर भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ भी 25-30 दुकानदार हैं, सबकी रोजी रोटी की बात है। बिना बुलडोजर के बिना पुलिस की सख्ती के डीएम के आदेश पर अतिक्रमण को यूं खुद ही हटाया जाना, और वो भी संतों और दुकानदारों के सहयोग से, इसको लेकर डीएम भी सबके सहयोग की सराहना कर रहे हैं। कहते हैं कि कुछ ही दिन के बाद सब सरोवर मार्ग की हालत और तस्वीर बदल जाएगी। लगे हाथ उप जिलाधिकारी और एसपी सिटी को भी डीएम ने निर्देश दे दिए कि जो भी अतिक्रमणकारी अवैध अतिक्रमण को अभी भी नहीं हटा रहा उन्हें 24 घंटे की मोहलत दो और फिर उसके बाद प्रशासन का डंडा चला दो। और सिंचाई विभाग की जितनी भी लैंड है वो मेरी जानकारी में लाया गया है कि हाईकोर्ट में मामला गया था, 99 ईयर की लीज थी, वो लीज पूरी हो गई है, उसके बाद उनकी लीज आगे बढ़ाई नहीं गई, हाईकोर्ट से मुकदमे हार चुके हैं। एक लग्जरी लिटिगेशन होता है, कोई पीपी एक्ट में जा रहा, कोई सिविल कोर्ट में जा रहा है, इसका कोई मायने नहीं रखता। अगर ऑनरेबल हाईकोर्ट की तरफ से उनको कोई रिलीफ नहीं मिली है तो मैंने इनसे एक्सपीरियंस यही कहा है कि आप इसको आइडेंटिफाई करिए, जिन लोगों ने आश्रम हो, अखाड़े हो या प्राइवेट लोगों ने, उनको बहुत ही आदरपूर्वक बता दीजिए कि यह लैंड सरकार की है और इसको स्वेच्छा से उसको छोड़ दें। यकीनन कोशिश अच्छी है, सहयोग की भी सराहना होनी चाहिए, लेकिन क्या हरिद्वार में अतिक्रमण की बीमारी ने जिस तरह से पैर पसारे, अच्छे अच्छे अधिकारी भी हरिद्वार को अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पाए। मगर लगता है डीएम साहब कुछ अलग हैं, क्या पता इस बार कोई चमत्कार हो जाए। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। तो धर्म नगरी हरिद्वार के संतोर आश्रम बाहुल्य क्षेत्र में एक दिन पहले ही जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने पुराने एआरटीओ चौक से लेकर भारत माता मंदिर तक अतिक्रमण को लेकर निरीक्षण किया, अल्टीमेटम दिया गया और उसके बाद आज अतिक्रमण
हटा दिया गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, कल अतिक्रमण को लेकर निरीक्षण किया गया डीएम द्वारा, अल्टीमेटम दिया गया 24 घंटे का, लेकिन 24 घंटे से पहले ही लोगों ने वहां से अतिक्रमण हटा लिया। जी बिल्कुल, जिस तरह से जिला अधिकारी एक दिन पूर्व सप्त सरोवर मार्ग पहुंचे थे और वहां निरीक्षण किया था, क्योंकि हाईकोर्ट के जिस तरह से आदेश हैं, जो अतिक्रमण वहां पर हो रखा था उसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा 3 नोटिस वहां पर दुकानदार को दिए गए थे, जिसके बाद जिलाधिकारी वहां पर खुद मौके पर पहुंचे और 24 घंटे का दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया था, ताकि उनको अपने समय रहते वो अपना सामान हटा लें या वो जो अतिक्रमण है उसको वहां से वो हटा लें, अन्यथा जो जिला प्रशासन द्वारा वहां पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिसका सारा जो खर्चा है वो दुकानदारों द्वारा वहन वहां पर किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो जिलाधिकारी के जो जिस तरह से अल्टीमेटम था उसका असर यहां पर हुआ है और 24 घंटे होने से पहले ही जो दुकानदार है उन्होंने अपनी जो अतिक्रमण का जो क्षेत्र था या अपनी दुकानें जो आगे बढ़ा रखी थी वो यहां पर तोड़नी शुरू कर दी हैं, और जिस तरह से लोग खुद भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो सरकार यहाँ पर बहुत पतला यहाँ पर हो गया था, जो आवाजाही थी वो यहाँ पर जो सीजन का समय है वहां पर कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बनती थी, जो अब शायद जिस तरह से दोनों ही तरफ 8-8 फुट की जो दुकान है वो टूटने के बाद सड़क चौड़ी होने के बाद नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जिला अधिकारी का जो कदम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो उनकी सच्चाई है, जो उनका समय दिया गया उससे पहले यहाँ दुकानदारों ने अतिक्रमण को हटाया है। जी ठीक विकास, मैं आपको अभी रोकना चाहूंगी। हमारे साथ स्टेट हेड भी जुड़ चुके हैं, अवनीश जी, बहुत कम तस्वीरें ऐसे देखने को मिलती है जब जिलाधिकारी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और अल्टीमेटम दिया जाए 24 घंटे का और उससे पहले अतिक्रमण खुद ही स्थानीय लोगों से द्वारा हटा लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बबीता, अभी तक ऐसा होता आया है कि जब भी प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की बात कही हो तो निश्चित तौर पर वहां के व्यापारी हो, दुकानदार हो, वो प्रशासन के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं, विरोध होता है और सीधे तौर पर कहा जाता है कि व्यापारियों का उत्पीड़न प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सीधे तौर पर जो डीएम की शक्ति है वो साफ तौर पर दिखाई दी है, और खासकर कविता में जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं वो इलाका वीवीआईपी इलाका माना जाता है, पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मय का आश्रम उस इलाके में आता है। सबसे बड़ी बात है कि गुना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी, जिनके पास से अभी हाल ही में भारत माता की गद्दी आई है, वो उनका आश्रम वहां पर है, तो कई जो वीवीआईपी संत हैं उनके आश्रम, बड़े बड़े जो कहें संतों के निवास है वो वहां पर है, और खास बात ये कि किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया बल्कि खुद पूरे मामले में सहयोग प्रशासन का किया है, तो हम कहेंगे कि बहुत सुनियोजित तरीके से ये कोशिश जिलाधिकारी की तरफ से की गई और यही कारण था कि बिना किसी विरोध के, बिना किसी दबाव के व्यापारियों ने अपना अतिक्रमण वहां से हटाया, संतों की जो आश्रम थे उनको तोड़ा गया, ये अपने आप में बड़ी बात है। और खास बात यह कि पहली बार ऐसा हुआ, नहीं तो हरिद्वार में हमेशा जब भी आती थी तो व्यापारी दुकानदार सब प्रशासन के खिलाफ लामबंद होते थे, लेकिन इस बार सहयोग किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसमें जिलाधिकारी का जो एक तरह से कहा गया रवैया रहा है वो सकारात्मक रहा है, उन्होंने सीधे तौर पर सहयोग की बात कही और यही कारण कि उनकी बात को सबने यहाँ पर माना है। बिल्कुल, क्योंकि अवनीश जी जिस तरह से देखा गया हरिद्वार में अतिक्रमण ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों के भी नाक में इन्होंने दम कर दिया है, तो स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना था, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है जब डीएम आए हो और उन्होंने अपील की और अल्टीमेटम दिया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई हो। देखिए लोग खुश हैं, और खास बात ये भी है कि जिस तरह हरिद्वार में कृषि भूमि हो या अन्य भूमि हो उनका उपयोग भवन निर्माण में और कॉन्क्रीट के जंगल खड़े करने में किया जा रहा है, तो उस पर भी जिलाधिकारी ने रोक लगाने की कोशिश यहाँ पर की है, क्योंकि हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी विनय शंकर पांडे हैं, उन्होंने यहाँ पर जितने अवैध कॉलोनियां थी, जिस तरह से अवैध निर्माण किया जा रहा था उसको भी रोकने की कोशिश की है, और हरिद्वार में अब तक अगर हम 22 साल के उत्तराखंड की बात करें तो ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ, अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई इस समय हरिद्वार के अंदर की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो विकास के पास जाना चाहूंगी। विकास, तो अब आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने तो अतिक्रमण हटा दिया लेकिन जिन्होंने नहीं हटाया है उन पर क्या कुछ कार्रवाई की बात कही जा रही है।
देखिए जिस तरह से कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण को हटा लिया गया है क्योंकि लगातार वो अपने जो दुकानें हैं उनको तोड़ रहे हैं। हालांकि एक आश्रम जिस तरह से हमारे स्टेट हेड ने बताया कि खुद एक जो पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं उनका यहाँ पर जो आश्रम है वो भी इस अतिक्रमण की जद में है, उसको भी यहाँ पर तोड़ा जाना है। हालांकि जो दुकानदार हैं उन्होंने अपना सामान जरूर यहाँ पर पीछे कर लिया है, लेकिन जिस तरह से जो बिल्डिंग है उसको आश्रम के द्वारा ही यहाँ पर तोड़ा जाना है, तो उसमें कुछ समय की मांग जरूर जो आश्रम है उसके प्रबंधन ने यहाँ पर की है। कितने समय की मांग की गई है विकास, अगर समय की आप बात करें कितने समय की मांग की गई है? देखिए जिस तरह से क्योंकि पूरी लगातार यहाँ पर जो 13 दुकानें हैं और उसमें बड़ा एक क्षेत्र है क्योंकि डबल स्टोरी ये आश्रम है, तो उसको तोड़े जाने के लिए उन्होंने समय की यहाँ पर गुजारिश, यहाँ पर जिस तरह से हम जहाँ मौके पर पहुंचे थे तो उनके द्वारा यही कहा गया था कि उन्होंने जिला प्रशासन से जो समय है उसकी मांग करी है। हालांकि अभी कितना समय जिला प्रशासन उनको देगा और क्या उनको समय मिलेगा ये अभी देखने वाली बात होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।